चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी ने कोहराम मचा दिया है, जिससे करीब अभी तक 2.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 26 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस घातक बीमारी से बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर आगामी 3 मई तक पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। इस संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना महामारी से बचाया जा सकेगा, लेकिन उन मजदूरों की शामत आ गई है जो अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब हम आपको ऐसे ही मजदूरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बड़े बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनसे ये रोजगार भी छीन लिया है, जिसके बाद उन्होंने फिर एक बार अपने घर की राह पकड़ ली है। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन के कारण अब घर जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, जिसके चलते उन्होंने चिलचिलाती धूप में सुनसान सड़क की डगल पकड़ ली है, जिसके चलते जहां उनके पैरों में छाले पड़ गए, वहीं पिछले 2-3 दिन से खाली पेट चलने को मजबूर हैं। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? देखो चप्पल पूरे घिस गए हैं। क्या कर रही है सरकार? पीछे क्यों रहे हो सर? हम लोग भी इंसान हैं। क्या कर रही है सरकार? पैदल चल चल के चप्पल टूट गए, खाने को भोजन का कोई ठिकाना नहीं। क्या कर रही है सरकार? हम ही लोगों ने तो उनको ओढ़ दो कि सरकार में बैठा दिया गद्दी पे। जनता ने उनको बैठा दिया गद्दी पे, जनता भूखा मर रही है। क्या कर रही है सरकार? ऐसी सरकार तो कभी नहीं बन पाएगी। मोदी तो हार ही गया, कोई वोट देने वाला नहीं। सर हम लोग भरूच से पैदल आ रहे हैं यूपी, और ना कहीं पे खाना है ना कहीं पे कुछ है, और इसके बाद में हमें यूपी फतेहपुर जिला जाना है। कहीं साधन मिलता है तो थोड़ी देर 10-5 किलोमीटर के लिए मिलता है, उधर बैठते हैं, फिर खाना आना मिलता नहीं। रात में क्या है? शाम को मिला था, शाम को अली राज टाइम में खाना मिला अली राज, इसके बाद खाना कहीं नहीं मिला हम लोगों को। अली राज पैदल चल रहा है, अलीराजपुर में खाना नहीं मिला खाली, और कहीं नहीं मिला। मिल रही है पैदल चल रहे हैं, दिन दुपहर रहा है, सैकड़न जो है तो ना कर मिला कहीं हमारे लिए, पानी के लिए भी नहीं पूछा। हमारे लिए ना पैसा है जेब में ना कुछ है, ना क्या खाए क्या खा रहे हैं। तो वहाँ सेठ लोगों ने हमको भगा दिया, जब पैसा कौड़ी देगा नहीं तो पैदल ही चलना पड़ेगा। राशन नहीं दे दिन से चलते हो गया, रेलवे लाइन से आया है, पुलिस वाला निकलने नहीं देता, घर जाने नहीं देता, खाने के लिए दे हमको जाने ना दे तो खाने के लिए दे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों को सकुशल हिंदुस्तान की धरती पर ले आई है, लेकिन अपने ही देश के मेहनतकश लोग आज भीषण गर्मी में खाली पेट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।